बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे कि वर्क डन वाइल लोडिंग और अनलोडिंग क्या होता है। देखिए, वर्क डन वाइल लोडिंग और अनलोडिंग, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स तक मैं ये चीज़ें करूँगा। पहला है वर्क डन वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वर्क डन अनलोडिंग में और लोड कितना होता है प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा, मिसाल के तौर पर ये फोर्स एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन, ये फोर्स, तो ये लोडिंग हो रही है। इधर तक सपोज लोडिंग हुई, मैंने लोडिंग इस तरह किया है, लोडिंग है तो इसका वर्क डन जो होगा एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये वाला होगा वर्क डन वाइल लोडिंग, ये है। और ये एफ, इसका तो हम वर्क डन वाइल अनलोडिंग निकाल सकते हैं, पहले भी हम निकाल चुके हैं, वही वर्क डन वाइल लोडिंग। इसके एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, 1/2 FE आ जाएगा या 1/2 KE² आ जाएगा। अब वर्क डन वाइल अनलोडिंग, इसमें अनलोडिंग की मैं रेड पेन से दे रहा हूँ, अनलोडिंग भी इसी लाइन से होगी, बिल्कुल इसी लाइन से होगी अनलोडिंग एग्जैक्ट, और ये अनलोडिंग है और इसका भी एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा वर्क डन वाइल अनलोडिंग। तो वर्क डन वाइल अनलोडिंग, वर्क डन वाइल अनलोडिंग वही होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और यही 1/2 FE आएगा या 1/2 KE² आएगा, यानी जितना लोडिंग में काम हो रहा है इतना ही अनलोडिंग में हुआ है। तो जो इस एनर्जी रिटेन होगी, एनर्जी रिटेन्ड इन बॉडी, यकीनन वो जीरो होगी। तो इसमें तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ आएंगे जिसमें सब एरिया करेंगे, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट था ट्रायंगल तक। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है कि हमारा वर्क डन वाइल लोडिंग और अनलोडिंग, वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक लोडिंग और अनलोडिंग में वर्क डन होगा, ये स्ट्रेट लाइन इसमें एक पार्ट में नहीं आती, तो ये हम सब एरिया से निकालेंगे, कैलकुलेटर नहीं कर सकते। ये ई है, ये फोर्स है, तो वर्क डन वाइल लोडिंग में देखें, ये इधर तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पी, ये सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये इधर तक गया है, ये ई इधर है, तो इधर तक वर्क डन वाइल लोडिंग। तो ये जो एरिया ये होगा, ये एरिया वर्क डन वाइल लोडिंग है, ये पूरा एरिया वर्क डन वाइल लोडिंग है। और वर्क डन वाइल अनलोडिंग क्या हो जाएगा, अनलोडिंग हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, अनलोडिंग स्ट्रेट लाइन में होती है, और ये इलास्टिसिटी है तो जीरो पे ही वापस जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अनलोडिंग। तो वर्क डन वाइल अनलोडिंग ये हो जाएगा रेड पेन से एरिया, ये वाला। तो ये जो एरिया मैं ब्लू पेन से दे रहा हूँ, ये जो होगा, ये होगा एनर्जी रिटेन्ड इन द बॉडी। तो वर्क डन वाइल अनलोडिंग और वर्क डन वाइल लोडिंग ये हो गया। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो मैं कहूँगा कि एनर्जी रिटेन्ड बॉडी में हो जाएगी, एनर्जी रिटेन्ड इन बॉडी जो होगा वो होगा एरिया ऑफ द रीजन शेडेड इन ब्लू। क्योंकि वर्क डन वाइल लोडिंग जो था, वर्क डन वाइल लोडिंग था एरिया विद द ब्लैक पेन, और वर्क डन वाइल अनलोडिंग होगा रेड पेन। तो बाकी जो पता ये बचा, मैं अगर इसको एक डायग्राम में निकालूं और रीजन्स के नाम दे दूं, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं। देखें, अगर मैं चलो ब्लू ही ले रहा हूं, ये एक्सटेंशन है ई और ये एफ है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पी, ये पॉइंट ई, तो ये इधर, और ये लोडिंग थी और ये अनलोडिंग है। तो ये रीजन आर वन दे रहा हूँ, ये आर टू रीजन दे रहा हूँ। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन वाइल लोडिंग कितना होगा, योगा एरिया
of region R1 plus area of region R2. Or work done while unloading hoga area of region R1. तो एनर्जी रिटेन इन बॉडी जो हो जाएगी एरिया ऑफ रीजन आर टू, और ये रीजन में देखिए हालांकि बॉडी वापस आए अपनी जगह पे, लेकिन ये जो एनर्जी रिटेन है ये इंटरनल एनर्जी बॉडी की बढ़ जाएगी इस लूप की वजह से। और ये उमन बॉडी जो है बेशक इलास्टिक लिमिट से पहले या लास्ट लिमिट तक जब वो अनलोड होता है बेशक अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन वो गर्म जरूरत हीटअप हो जाता है इसमें। यही रीजन है हीटअप होने की कि उसमें ये एनर्जी जो है ये एनर्जी रिटेन बॉडी जो है ये इसको गर्म कर देती है और बॉडी जो है वो हीटअप हो जाता है। ये था वर्क डन वाइल यानी इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद हम करेंगे वर्क डन वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग, थर्ड है अप टू और बियॉन्ड point of yield or yielding point. Yielding point पे आप देखें कि yielding point का इस तरीके से मैं region के नाम से सर्फ दे दूंगा, ये P है, ये E है, ये यील्डिंग पॉइंट है, ये थोड़ा सा आगे इधर तक चलेंगे, ये यील्डिंग पॉइंट से आगे ये वर्क डन वाइल लोडिंग ये एरिया होगा वर्क डन वाइल लोडिंग। अच्छा वर्क डन वाइल अनलोडिंग, अब ये लोडिंग हो रही थी, लोडिंग अनलोडिंग स्ट्रेट लाइन में होगी लेकिन इस पर परमानेंट एक्सटेंशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन में, और ये स्ट्रेट लाइन में अनलोडिंग है लेकिन इसमें ये जो है ये परमानेंट एक्सटेंशन आ गई है जिसको हम ई कहेंगे। हालांकि लोड जीरो है, आप देखें लोड जीरो है लेकिन फिर भी इस पर एक्सटेंशन है। अब वर्क डन वाइल अनलोडिंग ये रीजन्स आर वन और ये आर टू ले रहा हूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क डन वाइल लोडिंग ये एरिया ऑफ रीजन आर वन प्लस एरिया ऑफ रीजन R2, और वर्क डन वाइल अनलोडिंग एरिया ऑफ रीजन R1 और एनर्जी रिटेन इन बॉडी जो होगी वो होगी एरिया ऑफ रीजन R2। और क्योंकि ये एनर्जी रिटेन बॉडी में हो गई तो इसमें बॉडी हमेशा प्लास्टिक में जब होता है उसका हीटअप हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो तो उसी में भी आती है इलास्टिक लिमिट तक लेकिन इसमें ज़्यादा जो है चेंज आ जाती है, यानी बॉडी में इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है और बॉडी हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता है।